बेटमा नगर को जल्द ही सिटी बस की सौगात मिल सकती है। जी हां, मासिक पास के साथ सिटी बस शुरू करने के लिए पूर्व विधायक मनोज पटेल और अध्यक्ष नगर परिषद बेटमा मनीषा शशि जायसवाल ने इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव और AICTCL के प्रबंधकों से चर्चा की है। चर्चा उपरांत पत्राचार के बाद सिटी बस को लेकर कार्यवाही प्रारंभ की गई। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले धार की बसों में बेटमा की सवारियों को नहीं बिठाने को लेकर विवाद हो गया था और इस संबंध में पुलिस थाना बेटमा में कुछ दिन पूर्व ज्ञापन भी दिया गया था। वहीं अब इंदौर महापौर पुष्प मित्र भार्गव और AICTCL के प्रबंधकों से हुई चर्चा उपरांत माना जा रहा है कि बेटमा नगर को जल्द ही सिटी बस की सौगात मिल सकती है। बेटमा से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। बेटमा नगर की एक बड़ी समस्या थी जिसमें छात्र छात्राओं को और यहाँ के व्यापारियों को और सभी लोगों को जो नौकरी के लिए इंदौर आते जाते थे उनको सुविधा नहीं मिल पाती थी बस की। उसकी वजह से सिटी बस के प्रबंधकों को आवेदन दिया गया यहाँ से, जिससे बेटमा के लिए बस चलाने के लिए बोला गया, जिस बस के अंदर पास की सुविधा भी हो और सभी छात्र छात्राओं को आराम से बैठ के बेटमा से देपालपुर बेटमा से इंदौर आना जाना सुगमता से हो सके। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।